इयन मॉर्गन जो है वो आईपीएल 2021 से हो चुके आउट, तो कौन रहेगा केकेआर के लिए नया कप्तान, लेट्स फाइंड आउट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्टोलिक बैस्टर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियोस आपके समझाने की कोशिश करते रहता हूँ, जिसमें क्रिकेटर्स का भी इंटरव्यू होता है, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के रिलेटेड प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस भी मैं यहाँ पे करते रहता हूँ, उसके साथ ही साथ क्रिकेट के जो अपडेट होते हैं वो भी यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं डेली। तो जो कि आप मेरा फ्रेंड है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियोस आपके समझाता रहूं इसके लिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बिना टाइम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है रीजन इयन मॉर्गन हो चुके आईपीएल 2021 से आउट और कौन रहेगा केकेआर के लिए नया कप्तान। तो यार जैसे कि आपको सबको मालूम है कि आईपीएल जो इस साल का आईपीएल है वो विद इन इंडिया ही खेला जाएगा। कोरोना के केसेस अभी लगातार बढ़ रहे हैं, बट उनका कुछ ना कुछ वहां पे बिल्कुल भी किया होगा, मैनेजमेंट किया होगा आईपीएल के जो स्टाफ है उन्होंने। बट अभी जो कन्फर्म न्यूज आ चुकी है कि आईपीएल जो है विद इन इंडिया खेला जाएगा, वेन्यूज भी कन्फर्म हो चुके हैं लगभग, और इसके चलते हुए 6 वेन्यूज के अंदर अंदर खेला जाएगा इस साल का आईपीएल। और इसी के साथ दोस्तों आईपीएल का सीजन जो है वो 9 अप्रैल से चालू होने वाला है, इस साल का जो सीजन है वो 9 अप्रैल से चालू होने वाला है और काफी रोमांचक सीजन ये रहता है, काफी सबका फेवरेट सीजन रहता है आईपीएल। मतलब बिल्कुल भी ये इंडिया का त्योहार हो चुका है और वैसे भी क्रिकेट सब लोग पसंद करते हैं, और ऊपर से जब आईपीएल होता है तो बिल्कुल भी वो जो मतलब सारे लोग जो है इंडिया के वो एक भी मैच मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि काफी रोमांचक एक से बढ़कर एक मुकाबले यहाँ पे देखने को मौका हमें मिलता है। तो यार जैसे कि आपको सबको मालूम है कि 9 अप्रैल से चालू होने वाला है इस साल का सीजन, और पहली मैच जो है वो आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच में खेली जाएगी, तो ये काफी रोमांचक मैच होने वाली है। और आरसीबी का अगर आप स्क्वाड देखें तो काफी अभी बिल्कुल भी एक जान आ चुकी है स्क्वाड के अंदर। तो बात करें केकेआर की, तो केकेआर के लिए काफी एक बड़ी न्यूज है और काफी बुरी न्यूज होगी केकेआर फैंस के लिए और केकेआर टीम के लिए खुद के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इयन मॉर्गन हो चुके हैं आईपीएल से आउट। तो अभी ये पता नहीं चला कि कितने मैच वो नहीं खेलने वाले, बट थोड़े मैच तो बिल्कुल भी ये मिस करेंगे, और उसके चलते हुए आईपीएल के लिए मतलब केकेआर में नया कप्तान हमें देखने का मौका मिल सकता है इस साल। और जो दोस्तों ये न्यूज भी कंफर्म है कि मतलब दिनेश कार्तिक भी इस साल कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे इयन मॉर्गन के गैर मौजूदगी में, तो दोस्तों नया कप्तान बिल्कुल भी यहाँ पे देखने का मौका मिल सकता है। तो केकेआर की सोच यही रहेगी कि एक नया कप्तान जो है वो यंगस्टर हो और एक लीडिंग क्वालिटी उनके अंदर हो, जिसके अंदर जोश भरा हो, और इसके चलते हुए एक बड़ा नाम सामने आ रहा है जो मतलब जिन्होंने काफी प्रभावित किया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब खेली गई थी, जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, और जब टेस्ट मैच थी और काफी क्रूशियल स्टेज पे वो खड़ा था मुकाबला, तब आके वो प्लेयर जो ऐसे प्लेयर है वो काफी निडर बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय, ओपनिंग किया था भारत के लिए, और इनका नाम है शुभमन गिल दोस्तों। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल भी सही सुना है, शुभमन गिल बन सकते हैं नए कप्तान केकेआर के लिए। जब तक इयन मॉर्गन वापस नहीं आते तब तक ही बिल्कुल भी शुभमन गिल वहां पे हमें नजर आ सकते हैं कप्तानी करते हुए। और इयन मॉर्गन का अगर रीजन की बात की जाए वो क्यों आउट हुए, तो दोस्तों यही एक बात है कि जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में सीरीज खेली जा रही है तो ओडीआई सीरीज में उनको थोड़ी सी इंजुरी हुई है, पहला जो ओडीआई मुकाबला था तो उनको वहां पे फिंगर इंजुरी हो चुकी है, तो उससे रिकवर नहीं हो पा रहे, और इसी के चलते हुए सेकेंड ओडीआई और थर्ड ओडीआई भी मिस करने वाले। सेकेंड ओडीआई में जॉस बटलर की कप्तानी में इंडियन टीम को काफी परेशानी हुई थी, और मतलब बहुत ही एक बड़ा टोटल विशालकाय लक्ष्य इंग्लैंड ने आसानी से पार कर लिया है। बट इसका यही एक कहने का मतलब है कि दोस्तों अभी थर्ड ओडीआई में इयन मॉर्गन भी मिस करेंगे, और इसके साथ ही साथ पहले जो कुछ आईपीएल के मैचेस होंगे केकेआर के लिए वो भी मिस कर सकते हैं वो। और अगर उन्होंने मिस किया तब तक के लिए अगर कप्तानी की बात की जाए कि कौन कप्तान बनेगा केकेआर के लिए, तो बिल्कुल भी शुभमन गिल का नाम सामने आ रहा है, और ये कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि शुभमन गिल यहाँ पे केकेआर के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे जब तक इयन मॉर्गन वापस नहीं लौटते। तो यही थी एक अपडेट आईपीएल के रिलेटेड, आया तो बिल्कुल भी काफी मजा आने वाला है, 9 अप्रैल से चालू होने वाला है ये काफी एक रोमांचक सीजन इसको कहा जाएगा, विद इन इंडिया खेला जाएगा। तो अभी ये बिल्कुल भी अपडेट सामने नहीं आया है कि मतलब विद क्राउड खेला जाएगा या फिर विदाउट क्राउड खेला जाएगा, तो देखते हैं कि क्या होता है, जैसे ही उसके बारे में कुछ अपडेट आता है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। बट तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके समझाता रहूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके समझाता रहूं तब। और तब तक के लिए मिलता अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।